हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट इन अध्याय में। बच्चों, आज का हमारा जो क्लास है वो है आर्टिकल। आज हम आर्टिकल चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चों का बहुत ही डिमांड है कि सर आर्टिकल बता दिया जाए। क्या बच्चों का बहुत ही डिमांड है कि सर आर्टिकल पढ़ा दिया जाए। सर आर्टिकल में क्या होता है, हमें बहुत ही समस्या होती है, बच्चों का ऐसा कहना है। इसलिए हमने आप लोगों के लिए आज का चैप्टर लाए हैं, और जो कि आपका जो चैप्टर है वो है आर्टिकल। तो सबसे पहले हम आर्टिकल को देखते हैं कि आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल किसे कहते हैं, आर्टिकल को पहचाने के लिए हमारे लाइफ में आर्टिकल पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमने आज का हमारा चैप्टर है वो है आर्टिकल। एक्चुअली हम बात करें बच्चों की, क्या आर्टिकल का मतलब एएनडी होता है। क्या बच्चों, क्या आर्टिकल का मतलब एएनडी होता है। बचपन से ही गुरुजी ने आपको पढ़ा दिया, आपने सीख लिया, अध्यापक ने क्या बता दिया कि आर्टिकल का मतलब एएनडी होता है। क्या बच्चों, आर्टिकल का मतलब नहीं, आर्टिकल का मतलब एएनडी नहीं होता है, अध्यापक ने बता दिया, हम मान लिए। कैसे, क्या प्रूफ है कि आर्टिकल का मतलब एएनडी होता है। नहीं, हम ऐसे नहीं मानेंगे। जैसे हम आपसे बोले कि इस कमरे में इतने सारे आर्टिकल बिखरे पड़े हुए हैं। क्या बच्चों, जैसे हम आपसे बोले कि इस रूम में इतने सारे आर्टिकल बिखरे पड़े हुए हैं, तो क्या वहां पर एएनडी बिखरा पड़ा हुआ है। नहीं, वहां पर आर्टिकल नहीं, एएनडी नहीं, बल्कि सामान बिखरा पड़ा हुआ है। क्या बच्चों, सामान, यानी आर्टिकल का मतलब एएनडी नहीं होता है। बच्चों, हम कहना जो चाह रहे हैं वो मतलब है कि आर्टिकल का मतलब एएनडी नहीं होता है। क्या बच्चों, हमारे कहने का यह मतलब है कि आर्टिकल का मतलब एएनडी नहीं होता है, यानी आर्टिकल का मतलब आप कह सकते हैं कि सामान। क्या होता है, सामान, यानी आप आर्टिकल का मतलब कह सकते हैं कि सामान होता है। यानी आर्टिकल का मतलब क्या हुआ बच्चों, सामान। जैसे हमने बोला कि इतने आर्टिकल के तहत उसे फांसी दे दी गई। क्या बोला हमने बच्चों कि इतने आर्टिकल के तहत उसे फांसी दे दी गई, तो क्या एएनडी के तहत उसे फांसी दे दी गई। नहीं, एएनडी के तहत नहीं उसे, बल्कि इतने अनुच्छेद के तहत फांसी दे दी गई। यानी आर्टिकल का मतलब आप कह सकते हैं अनुच्छेद। क्या बच्चों, आर्टिकल का मतलब आप कह सकते हैं अनुच्छेद। हमने आपसे कहा, आज हमने हिंदू का आर्टिकल पढ़ा। क्या बच्चों, हमने आपसे कहा कि आज हमने हिंदू का आर्टिकल पढ़ा, बहुत ही मजा आया, आप भी पढ़ लेना। तो क्या हिंदू के आर्टिकल में हमने एएनडी पढ़ा जो हमें मजा आया। नहीं, यानी हमने क्या पढ़ा, लेख पढ़ा। क्या बच्चों, हमने क्या पढ़ा, लेख। यानी आर्टिकल का मतलब लेख भी होता है, आर्टिकल का मतलब एएनडी नहीं होता है। क्या बच्चों, आर्टिकल का मतलब एएनडी नहीं होता है, आर्टिकल का मतलब सामान होता है, अनुच्छेद होता है, लेख होता है, पद होता है, उपपद होता है। समझ में आ रहा है। ओके, चलिए अब आर्टिकल, आर्टिकल मतलब ये क्या है, एएनडी। अब एएनडी, एन ए डी आपका सामान है। क्या बच्चों, आपका सामान है, किसका सामान है, एडजेक्टिव का, ए डी जे एडजेक्टिव। आर्टिकल सामान है। क्या बच्चों, हमने बताया आर्टिकल का मतलब क्या होता है, सामान। आर्टिकल सामान है, किसका सामान है, एडजेक्टिव का। किसका बच्चों, एडजेक्टिव का, यानी आर्टिकल एडजेक्टिव का सामान है। अब ये प्रश्न उठता है बच्चों कि एडजेक्टिव क्या है। जब आर्टिकल एडजेक्टिव का सामान है तो एडजेक्टिव होता क्या है। ओके, तो एडजेक्टिव इज ए वर्ड, ध्यान से देखिए बच्चों, एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज यूज बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। ओके, एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज यूज बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, आर, अथवा आप कह सकते हैं एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज यूज टू क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन की तारीफ करता है, नाउन और प्रोनाउन की सहमत करता है, विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। समझ आ रहा है बच्चों। ओके, हमने क्या कहा, आर्टिकल कुछ नहीं है, आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। क्या बच्चों, हमने क्या कहा, आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल कुछ नहीं है, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। तो हमने बताया एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन की तारीफ करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता हो, उसकी क्वालिफाई करता हो, वही आपका क्या है, एडजेक्टिव। चलिए, इतना समझ में आया है तो बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं।
मिटा दें बच्चों, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको मिटाने के बाद पुनः हम इसी टॉपिक पर फिर आएंगे। अभी हम यूज नहीं सिखा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि आर्टिकल का मतलब होता क्या। आर्टिकल कहते आपको टर्म ही नहीं पता है, यूज करके क्या करोगे आप? आपको टर्म ही नहीं पता है, यूज करके क्या करेंगे आप? तो पहले इसका बेसिक फंडामेंटल के साथ आपको कुछ कंसेप्ट बता दिया जा रहा है, इसको जान लें। चलिए हमने क्या बोला बच्चों, आर्टिकल इज नथिंग। क्या बच्चों हमने कहा? आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल कुछ नहीं है। इट्स भी पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, क्या बच्चों हमने कहा? आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल कुछ नहीं है, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, या एडजेक्टिव का एक भाग होता है। चलिए आगे कुछ लिख लीजिए बच्चों, बता रहे हैं आगे लिखिए, आर्टिकल कैन बी स्टडी, आर्टिकल कैन बी स्टडी, आर्टिकल कैन बी स्टडी अंडर अंडर टू ग्रुप्स। क्या बच्चों हमने कहा? आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स, आर्टिकल का स्टडी अध्ययन किया जाता है, कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स, आर्टिकल का अध्ययन किया जाता है दो भागों में। कौन कौन सा पार्ट है आपका? पहला है फर्स्ट इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल ARTICLE, आर्टिकल। दूसरा आपका है जो है वो है डेफिनिट आर्टिकल, क्या बच्चों? डेफिनिट आर्टिकल ARTICLE, आर्टिकल। हमने कहा आर्टिकल कैन बी स्टडी अंडर टू ग्रुप्स, पहला इनडेफिनिट आर्टिकल, सेकेंड डेफिनिट आर्टिकल। अब इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, अभी हम आपको बता रहे हैं। चलिए बच्चों इतना मिटा दें, ओके, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमने कहा बच्चों कि आर्टिकल कैन बी स्टडी अंडर टू ग्रुप्स, आर्टिकल का अध्ययन दो पार्ट में किया जाता है, जो ग्रुप में किया जाता है, पहला है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल इनडेफिनिट आर्टिकल। चलिए बच्चों हमने यहाँ पर क्या लिखा, नंबर एक इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, और यहां पर हमने बच्चों लिखा डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट ARTICLE, आर्टिकल। अब इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आप किसका अध्ययन करते हैं? ए एंड एन को, इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत किसका स्टडी करते हैं? ए एंड एन को। और डेफिनिट आर्टिकल आपका क्या होता है बच्चों? डेफिनिट आर्टिकल द, क्या बच्चों? अब डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? द। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? ए एंड एन। अब एक एक का जो साउंड आपका होता है बच्चों, एक का जो साउंड होता है वो साउंड आपका आ भी होता है और ए भी होता है, क्या बच्चों? एक का जो साउंड होता है आपका, क्या बच्चों? साउंड वो आपका आ भी होता है, कुछ बच्चे आ बोलते हैं, कुछ बच्चे ए बोलते हैं। अब कहाँ बोला, कैसे बोला जाएगा, अभी हम बता रहे हैं। अब ए आयन का जो साउंड होता है, आयन का जो साउंड होता है बच्चों, इसे हम कुछ बच्चे जो हैं अन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अन। और कुछ बच्चे इसी को एन भी बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं, राइट, ओके। अब डेफिनिट आर्टिकल में देखिए बच्चों द, अब द का जो साउंड होता है बच्चों, द का जो साउंड है, अब कुछ बच्चे इसी साउंड को द को द भी बोलते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो द को दी भी बोलते हैं। क्या क्या हमने कहा कि द का जो साउंड है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो द बोलते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दी बोलते हैं। ए का जो साउंड है, कुछ बच्चे को मतलब बोलते हैं आ,
कुछ बच्चे यूज करते हैं ए, एन का साउंड कुछ बच्चे अन बोलते हैं और कुछ बच्चे ए बोलते एन बोलते हैं। ओके अब देखिए, अब सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनिट आर्टिकल में द का साउंड। अब द का साउंड आप बोलिए द तब बोलेंगे जब आपका साउंड जो हो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? कॉन्सोनेंट से। हमने क्या कहा, अगर आपका साउंड कॉन्सोनेंट, आपका साउंड क्या है कॉन्सोनेंट है, तब उस कंडीशन में आप द को द बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द को द बोलेंगे। यहां जैसे कॉन्सोनेंट साउंड हमने लिया बॉय, अब इसके आगे हमने क्या कर दिया द, अब इसको हम दी ना बोल करके क्या बोलेंगे द। ओके समझ में आ रहा है। अब देखिए बच्चों दी कब बोलेंगे, अगर आपका साउंड क्या है बच्चों, अगर आपका साउंड वोकल साउंड है। अभी हम आपको बताएंगे वोकल साउंड क्या होता है, जब साउंड आपको सिखाएंगे तो ये बताएंगे कि वोकल साउंड होता क्या है, जिसको आप वोवेल बोलते हो। क्या बोलते हो? वोवेल। यदि आपका साउंड क्या है वोकल है, यानी जिसको हम वोवेल बोलते हैं, तो उस कंडीशन में हम दा को दा ना बोल करके दी बोलेंगे। क्या बच्चों? उस कंडीशन में हम दा को दा ना बोल करके दी बोलेंगे, यानी हमने कोई वोकल साउंड लिया जैसे कि एप्पल, हमने क्या लिखा एप्पल, अब एप्पल के आगे हमने दा को लगा दिया। अब इसको आपका ये साउंड क्या है वोकल साउंड, इतना तो नॉलेज होगा कि वोवेल और कॉन्सोनेंट होता क्या है, नहीं है तो हम बता रहे हैं। वोवेल आपका ई ए ई आई ओ यू, बाकी जो शेष रहता है वो कॉन्सोनेंट ही होता है। तो हमने क्या लिया ए आपका वोवेल साउंड है स्टार्ट है, अब इसके आगे जो हमने दा लगाया इसको दा ना बोल करके क्या बोलेंगे बच्चों दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? दी। देखिए बच्चों हमने कहा आपका साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो दा को दा बोलिए, अगर आपका साउंड वोकल साउंड है, यानी आपका साउंड क्या है बच्चों वोकल साउंड है, उस कंडीशन में आप उसे दा को दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दी। अब यहां देखिए, अब कुछ बच्चे इसी ए का साउंड करते हैं क्या आ, अब कुछ बच्चे ए करते हैं। अब हम बता रहे हैं कि ए का मतलब आ कहां बोला जाएगा और ए कहां बोला जाएगा। अगर आपको किसी चीज पर, यदि बच्चे इतना पहले जाएंगे, अगर बच्चे 90% ए को ए पढ़ रहे हैं, 90% यानी 90% ए को ए पढ़ रहे हैं, तो 90% आज से आप लोग पढ़ना आ, ए को क्या पढ़ना आ 90%, और 10% आप ए पढ़ना। वो कहाँ पढ़ना मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पढ़ा जाएगा। अब देखिए अगर आपका केस नॉर्मल है, अगर आपको उसको मतलब नॉर्मल में लाना है, यानी आपका केस जो है नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में आप आ बोलना। अगर किसी पर इम्प्रेमाइज करना हो, क्या बच्चों किसी चीज़ पर प्रेस डालना हो, क्या बच्चों आपको किसी चीज़ पर प्रेस डालना हो, तो उस कंडीशन में आप ए बोलिए। जैसे प्रैक्टिस कीजिए, साउंड हमने लिखा बॉय, हमने लिखा बुक, हमने लिखा पेन, अब इसके आगे हमने लगा दिया ए। अब देखिए बच्चों बोल करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिस। अब बोलिए, पहले बोलिए आ बॉय, आ बॉय, ए बॉय, आ बॉय, कौन अच्छा लग रहा ए बॉय, ए बॉय, आ बॉय, ए बॉय, कितना अच्छा है ना आ, कितना अच्छा है ना अच्छा आ, कितना अच्छा आ बॉय, आ बुक, ए बुक, आ बुक, ए बुक, आ पेन, ए पेन। अगर आपको प्रेस डालना हो तब ए का यूज करिए, हमने कहा अगर आपको प्रेस डालना हो तब ए का यूज कीजिए, अगर नॉर्मल केस से आपका केस जो है नॉर्मल है तो आप ए आ लगाइए। अगर बच्चे 90% ए बोल रहे हैं तो आज के बाद 90% ए को आप आ बोलना। क्या बोलना? 90% ए को आप आ बोलना, 10% बोलना जब आपको उस पर प्रेस डालना हो सर। अब देखिए साउंड इस पर आइए एन पर, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं एन को अन बोलते हैं, कुछ बच्चे क्या बोलते हैं एन बोलते हैं। अब देखिए बच्चों अन और एन के साउंड में, अगर आप अगर एन बोलते हो 90% एन बोलते हो, तो आज के बाद 90% आप अन बोलना, एन मत बोलना, 90% आप क्या बोलोगे अन, 10% आप क्या बोलोगे एन। क्या बच्चों? हमने कहा कि अगर आप एन का साउंड 90% अगर आप एन का यूज कर रहे हैं, तो आज के बाद 90% आप अन बोलना
और 10% एन बोलना। जैसे हमने आपको मतलब एक एग्जांपल है, हमने लिखा एप्पल, क्या लिखा बच्चों हमने एप्पल, ए डबल पी एल ई एप्पल। अब इसके आगे जाहिर सी बात है आर्टिकल क्या लगाओगे, एन, आर्टिकल क्या लगाओगे एन। अब बोल करके देखिए अच्छा क्या लगता, अच्छा क्या अन एप्पल, आयन एप्पल, अन एप्पल, दिस इज अन एप्पल, दिस इज आयन एप्पल, कौन सा अन अच्छा लग रहा है ना, आसान भी है, दिस इज अन एप्पल, दिस इज अन एप्पल, दिस इज आयन एप्पल, इतना मतलब रस डालना। तो इसलिए हमने कहा कि 90% आज के बाद आप अन बोलना 90% और 10% आप क्या बोलना आयन। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये कोई ग्रामर का रूल नहीं है, कोई मतलब इंग्लिश का कोई रूल नहीं है कि ए कहाँ बोला जाएगा एन कहाँ बोला जाएगा, ये स्पीकिंग के थ्रू था जो हमने आपको सिखा दिया। इसमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है कि दा यहाँ कहाँ कहाँ दा बोला जाएगा, कहाँ दी बोला जाएगा, ये बोल चाल की भाषा थी स्पीकिंग में जो हमने आपको बता दिया है। ओके, चलिए स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए बच्चों, अगर इतना समझ में आया है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए बच्चों इसको मिटा दें, थैंक्स, चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों, हम रूल फंडा की बात नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट के माध्यम से सिखाने का प्रयास करते हैं। वैसे भी इंग्लिश में रूल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट सीख गए तो समझो आपको सब कुछ आ गया। देखिए बच्चों हमने मिटा दिया, अब देखिए हमने एक टर्म बोला था आर्टिकल इज नथिंग इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। अब आर्टिकल कुछ नहीं है या एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है, वो कैसे होता है मैं इसको डिफाइन करूंगा, वो कैसे होता है मैं इसे डिफाइन करूंगा। हमने कहा आर्टिकल इज नथिंग इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, कि आर्टिकल कुछ नहीं है या एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है, वो कैसे होता है मैं आपको डिफाइन करूंगा। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, लता इट्स डॉट डॉट, यहाँ पर लिख दिया हमने मैंगो। अभी हम आपको यूज नहीं करवा रहे, यूज नहीं सिखा रहे, आपको केवल इसके टर्म बता रहे हैं कि इसका यूज कैसे किया जाएगा। अभी यूज करना जब सिखाएंगे, कम से कम 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। क्या बच्चों, कम से कम 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। 500 क्वेश्चन से प्रैक्टिस कम किए तो कम समझो कि किसी काम का नहीं, 500 क्वेश्चन से प्रैक्टिस से कम किए तो समझो किसी का काम का नहीं। अभी हम केवल इसका यूज सिखा रहे हैं, इसको यूज के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं कि यूज कहाँ कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हम बात करें। तो हमने पहला एग्जाम्पल लिखा लता इट्स डॉट डॉट मैंगो, हमने सीखा ये पहला एग्जाम्पल था, और हमने दूसरा एग्जाम्पल लिखा इस यहीं पर, लता इज आ डैश डैश मार दिए, यहाँ पर लिखा लता इज आ गर्ल। क्या लिखा बच्चों हमने, पहला लता इट्स डैश डैश मैंगो, लता इज आ डैश डैश गर्ल। ऊपर वाले से पहले हम नीचे वालों को देखते हैं, क्या बच्चों, ऊपर वाले से पहले हमने यहाँ पर नीचे वाले को देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा लता इज आ डैश मारा है, उसके बाद लिखा है गर्ल। अब यहाँ पर हम कोई वर्ड यूज करते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर गुड, क्या बच्चों हमने लिख दिया यहाँ पर गुड। अब बताइए बच्चों ये गुड वर्ड आपका एडजेक्टिव है कि नहीं है, अब ना ये आपका गर्ल नाउन है कि नहीं, ये गर्ल वर्ड नाउन है कि नहीं है, ये गुड वर्ड आपका एडजेक्टिव है कि नहीं है। अब देखिए बच्चों नाउन के पहले रहने का अधिकार, नाउन के पहले रहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव को दिया जाता है। क्या कहा हमने बच्चों, नाउन के पहले रहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव को दिया जाता है, किसको, एडजेक्टिव, यानी ये गुड वर्ड आपका एडजेक्टिव है कि नहीं। हमने यहाँ पर लिखा टाल, क्या बच्चों हमने यहाँ पर लिखा टाल, हमने यहाँ पर लिखा हैड, क्या लिखा बच्चों हैड, हमने यहाँ पर लिखा बैड। अब ये सारे टर्म जो हमने यूज किए हैं, बताइए बच्चों क्या ये एडजेक्टिव है कि नहीं है, ये क्या है आपके एडजेक्टिव। हमने कहा नाउन के पहले सिर्फ और सिर्फ
एडजेक्टिव को रहने का अधिकार है। ओके, अब एक लड़के ने कहा सर कि इसको मिटा दीजिए, लो हमने इसको मिटा दिया। अब मिटा करके हमने क्या किया, इस गर्ल को ला करके यहाँ पर लिख दिया, क्या बच्चों यहाँ पर। अब बताइए हमने क्या बोला कि ये आपका गर्ल क्या है, नाउन। अब नाउन से पहले रहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किससे है, एडजेक्टिव, यानी ये ए वर्ड आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव। ये आर्टिकल है लेकिन हमने कहा कि आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल कुछ नहीं है या एडजेक्टिव का सिर्फ एक पार्ट है, यानी जो कार आपका एडजेक्टिव कर रहा है, क्या बच्चों एडजेक्टिव, वही कार यहाँ पर आर्टिकल करेगा। जो कार आपका एडजेक्टिव कर रहा है वही कार आपका आर्टिकल करेगा, यानी ये आर्टिकल जो लगा है ये है तो आर्टिकल लेकिन कार किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का, क्या बच्चों एडजेक्टिव का। यानी हमने इसीलिए बोला कि आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, की आर्टिकल कुछ नहीं है या एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है। ओके, चलिए अब क्या हमने क्या किया, हमने इसको हटा दिया, ए को हटा दिया, हमने लिख दिया लता इज गर्ल। अब बताइए बच्चों कि क्या ये सेंटेंस राइट है, नहीं, क्योंकि नाउन को चाहिए क्या, नाउन को चाहिए क्या एडजेक्टिव, बोलिए मत, नाउन को चाहिए क्या एडजेक्टिव। चलिए ध्यान दीजिए, अगर सेंटेंस में नाउन है, क्या बच्चों अगर सेंटेंस में नाउन है तो आर्टिकल लगेगा, क्या बच्चों अगर सेंटेंस में नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है तो आर्टिकल लगेगा। कोई परमात्मा ऐसा नहीं है जो उसे आर्टिकल के बिना नाउन को यूज करते सेंटेंस में, सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्या बच्चों सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर हमारे साथ बोलिए आर्टिकल है तो नाउन है, आर्टिकल नहीं तो नाउन भी नहीं, आर्टिकल है तो नाउन होगा ही होगा, आर्टिकल नहीं है तो नाउन नहीं होगा, यानी आर्टिकल नहीं तो नाउन नहीं, बोलिए आर्टिकल नहीं तो नाउन नहीं, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, यानी अब यहाँ पर आर्टिकल वर्ड नहीं लगा है, एडजेक्टिव नहीं लगा है, क्या यह सेंटेंस राइट है, नहीं, क्योंकि नाउन को चाहिए क्या, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव, क्या चाहिए बच्चों सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव। अब ये गर्ल देखिए, ये गया इस वर्ब के पास, बोला कि तुम बन जाओ एडजेक्टिव, इसने कहा मैं तो वर्ब हूँ, इसने क्या कहा मैं तो वर्ब हूँ, तो गर्ल ने क्या कहा, अगर तुम नहीं बन सकते एडजेक्टिव तो मैं सबको मिटा दूंगा, यानी ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आर्टिकल है, नाउन है तो आर्टिकल लगेगा ही लगेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। अब देखिए पहला एग्जाम्पल, लता इट्स टैग डैश हमने किया मैंगो। अब बताइए बच्चों कि मैंगो वर्ड आपका नाउन है कि नहीं, मैंगो वर्ड नाउन है कि नहीं है, नाउन है। अब नाउन को चाहिए क्या, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव, क्या चाहिए एडजेक्टिव। अब यहां पर अगर हम ए लगा दें, लता इट्स अ मैंगो, तब ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी ए को हम मिटा दें तो क्या सेंटेंस राइट होगा। अब ये मैंगो क्या कर रहा है, नाउन, नाउन को चाहिए क्या एडजेक्टिव। अब ये गया इट्स के पास, बोला कि तुम बन जाओ एडजेक्टिव, ये बोला मैं तो इट्स हूं, मैं तो तुम्हें खा जाऊंगा, क्या ये बोला कि मैं तो वर्ब हूं ही, मैं तुम्हें इट्स, मैं तो तुम्हें खा जाऊंगा, तो मैंगो ने कहा, जिसकी वजह से मतलब ये सेंटेंस आपका गलत हो गया, मैंने कहा सेंटेंस को ही मैं गलत कर दूंगा, आर्टिकल नाउन है, आर्टिकल नहीं लगा आपका सेंटेंस रॉन्ग। पहले सही और गलत करना सीखो, इधर अपने आप आ जाएगा। कुछ बच्चों ने कहा कि सर इधर समझ में कम आता है, पहले हम कहते हैं कि इधर आपको बहुत ही जल्द आ जाएगा, पहले सही और गलत करना सीख जाओ, सही और गलत करना सीख जाओ, इधर की तो तुम धज्जियां उड़ा दोगे, इधर क्या है, हर एक चीज में ढूंढोगे कि इधर क्या है और उसको आप करेक्ट कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लता इट्स मैंगो ना कर करके लता इट्स अ मैंगो कर दें तब आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाए, क्या बच्चों अगर लता इट्स अ मैंगो। अब एक मतलब एक या दो से मतलब नहीं है, एक या दो से मतलब, अब मैंगो वर्ड आपका नाउन है तो आर्टिकल लगेगा, चाहे ए लगाओ या एन लगाओ या फिर द लगाओ, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको लगाना क्या है। ओके, यानी हमने कहा कि यहां पर आपको आर्टिकल पढ़ने से पहले सीखना पड़ेगा कि आर्टिकल का पोजीशन क्या होता है,
आर्टिकल पढ़ने से पहले आपको सीखना पड़ेगा कि आर्टिकल का पोजीशन क्या होता है। यहाँ पर आपको पोजीशन ऑफ आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल होता क्या है। तो आप सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल क्या है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल क्या चीज है। आर्टिकल पढ़ाने में आपको 2-3 क्लास लगेंगे, बाद में आपको सिखा दूंगा। बस आप हमारे क्लास में बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आर्टिकल बहुत ही आसान, अभी हम साउंड जब सिखाएंगे तो और ही मजा आएगा, कुछ और ही इंटरेस्टिंग बातें होंगी। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल का पोजीशन क्या है, आर्टिकल का पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पोजीशन ऑफ आर्टिकल में पहला कंसेप्ट हमारा है कि अगर सेंटेंस में नाउन आएगा, क्या बच्चों, अगर सेंटेंस में आर्टिकल आएगा, सॉरी बच्चों, अगर सेंटेंस में आर्टिकल आएगा तो किसके बिफोर आएगा, नाउन के। हमने क्या कहा बच्चों कि अगर सेंटेंस में आर्टिकल आएगा तो किसके बिफोर आएगा, नाउन के। और किसके लिए आएगा, किसके लिए आएगा बच्चों, नाउन। फॉर आर्टिकल इज यूज फॉर द नाउन, आर्टिकल इज यूज बिफोर द नाउन, आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आएगा, और आर्टिकल आएगा किसके लिए, नाउन के लिए आएगा। ओके, जैसे हमने कहा, अब देखिए हमने यहां पर एग्जांपल लिखा पेन, हमने लिखा बॉय, हमने लिखा बुक। अब इसके पहले ये आपके क्या है, ये सारे टर्म आपके क्या है, नाउन है। अब आपको क्या आर्टिकल लगाना पड़ेगा 100%, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर आर्टिकल आप ए लगाओ या दी लगाओ, ये बाद की बात है, लेकिन आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने कहा कि अगर नाउन है तो आर्टिकल आपको लगाना पड़ेगा। अब नाउन आपका चाहे सेंटेंस के बाद में हो, आर्टिकल आपको उसके पहले यूज करना है। अब चाहे सेंटेंस के बीच में नाउन हो, आर्टिकल आपको लगाना है और नाउन के पहले लगाना है। अब चाहे सेंटेंस के पहले नाउन स्टार्ट किया गया हो, लगाया गया हो, आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अब आर्टिकल चाहे ए लगाओ चाहे एन लगाओ, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज करना है, लेकिन आपको आर्टिकल नाउन के पहले आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ओके, जैसे हमने लिखा यहाँ पर एग्जांपल, हमने लिखा बॉय इज कमिंग, बॉय इज कमिंग। अब बॉय आपका क्या है बच्चों, बॉय क्या है आपका, नाउन है। अब आर्टिकल आपको लगाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, चाहे अब आर्टिकल आप ए लगाओ या दी लगाओ, जो मन कहे वो लगाओ, लेकिन आर्टिकल आपको लगाना पड़ेगा, यानी नाउन के पहले आर्टिकल आपको यूज करना पड़ेगा। हमने लिखा हीज, हीज, अब यहां पर हमने डैश कर दिया, अब यहां पर लिख दिया बॉय हीज, अब हमने क्या कर दिया बॉय। अब बॉय आपका क्या है बच्चों, नाउन है। अब नाउन के पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव यानी आर्टिकल। अब यहां पर तुम ए लगाओ द लगाओ, ये आप पर डिपेंड करेगा कि आपको लगाना क्या है। द आप लगा सकते हो अगर इसके आगे और कोई वर्ड लिखा हुआ हो तो, नहीं तो आर्टिकल ए लगाइए, परफेक्ट। ओके, चलिए यहां पर आपको समझ में आया है तो हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए अब हम आर्टिकल सीखने वाले हैं। आर्टिकल में हम पहले पोजिशन ऑफ आर्टिकल में पहला कंसेप्ट हमारा है साउंड। अब साउंड में हम चेक करेंगे, सीखेंगे कि आर्टिकल ए कहाँ लगेगा और आर्टिकल एन कहाँ लगेगा। साउंड में हम क्या सीखेंगे बच्चों कि आर्टिकल ए कहाँ यूज किया जाएगा और आर्टिकल एन कहाँ यूज किया जाएगा, जो कि आपका कौन सा आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में हमने बताया आर्टिकल एन, आर्टिकल ए। अब इसको, इसका साउंड क्या है उसको हम सीखेंगे, इसका भी साउंड क्या है उस साउंड के माध्यम से हम सीखेंगे। इससे पहले हम आपकी स्क्रीन पर कुछ फिगर, कुछ फोटो वगैरह इंटरफेस करेंगे। चलिए बच्चों देखिए, हमने स्क्रीन पर इंटरफेस कर दिया ये फोटो बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब देखिए बच्चों, ये जो आपका पार्ट दिखाई दे रहा है बच्चों,
इसको हम बोलते हैं टंग। क्या बोलते हैं बच्चों? टंग, टी ओ एन जी यू ई, टंग, जिसको हम जीभ कहते हैं। और आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलते हैं लिप्स। क्या बोलते हैं? लिप्स। ये मत सोचना कि सिगरेट पी रहा है, ये लिप्स है बच्चों, सिगरेट की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब ये मत सोचना कि सिगरेट पी रहा है। और ये आपको यहाँ पर आई आई दिखाई दे रहा है। क्या बच्चों? आई। ये क्या है बच्चों आपका? आई। और ये आपका क्या है? ब्रेन। क्या है बच्चों? ब्रेन, ईयर। ये क्या है बच्चों आपका? ईयर। और यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है ये सिंबल, ये आपका, इसको कहा जाता है वोकल कार्ड। ये क्या है बच्चों आपका? वोकल कार्ड। वोकल कार्ड क्या है मैं आपको अब अभी डिफाइन करूंगा। अब देखिए बच्चों, हमको कुछ नहीं आता, हमें ना आता है कॉन्सोनेंट, ना आता है वोवेल, हमको क्या आता है आर्टिकल सीखने के लिए? सिर्फ और सिर्फ साउंड। क्या आता है बच्चों? हमको कुछ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ साउंड आता है। हम आपको रूल फंडा नहीं बताएंगे, सिर्फ कंसेप्ट के मतलब साउंड के माध्यम से आपको सिखा देंगे कि आर्टिकल एन कहाँ लगेगा और आर्टिकल ए कहाँ लगेगा। ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये क्या है? वोकल कार्ड, यानी वोकल साउंड। आपका जो साउंड निकलता है कहाँ से निकलता है? वोकल कार्ड से। आपका जो साउंड निकलता है कहाँ से निकलता है? वोकल कार्ड से। ये क्या है वोकल कार्ड? अगर किसी व्यक्ति का वोकल कार्ड यानी इसको बंद कर दिया जाए तो व्यक्ति का साउंड बंद यानी जीवन बंद, व्यक्ति का साउंड बंद जीवन बंद। तो आपका साउंड कहाँ से निकलता है? वोकल कार्ड से। यानी आप कह सकते हैं कि आ लेटर डेट प्रोनाउंस, आ लेटर डेट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कार्ड, आ लेटर डेट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कार्ड, इट इज कॉल्ड वोकल साउंड, इट इज कॉल्ड वोकल साउंड। क्या कहा बच्चों हमने? आ लेटर डेट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कार्ड, इट इज कॉल्ड वोकल साउंड। और इस वोकल साउंड के आगे हमेशा आर्टिकल एन लगाना। क्या लगाना बच्चों? आर्टिकल एन लगाना। हमने कहा यहां पर लिख दे रहे हैं आपको, कोई दिक्कत हो जाएगी। आ लेटर डैट, आ लेटर डैट प्रोनाउंस, आ लेटर डैट प्रोनाउंस विथ विथ द हेल्प ऑफ वोकल कार्ड, वोकल कार्ड, इट इज कार्ड वोकल साउंड। क्या बच्चों? इट इज कार्ड वोकल साउंड। अब वोकल साउंड के आगे हमने क्या बताया बच्चों? वोकल साउंड के आगे आर्टिकल एन का प्रयोग करना। किसका? आर्टिकल एन का प्रयोग। कभी कहीं कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स हम जब साउंड करते हैं किसी चीज का साउंड करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे लिप्स भी काम कर जाते हैं। क्या बच्चों? लिप्स भी काम कर जाते हैं, टंग भी काम कर जाते हैं, प्लस टीथ भी काम कर जाता है, यानी दांत यहाँ पर बना दे रहे हैं। ये हमारा क्या है बच्चों? टीथ। समटाइम्स क्या क्या होता है साउंड करने में, लिप्स भी काम कर जाते हैं, टीथ भी काम कर जाते हैं, टंग भी काम कर जाते हैं, प्लस बॉडी का कोई भी पार्ट काम कर जाता है। इस कंडीशन में आप आर्टिकल ए का प्रयोग कीजिए। इस कंडीशन में आप आर्टिकल ए का प्रयोग कीजिए। कब? कब बच्चों? जब समटाइम जब आपका लिप्स काम कर जाए। क्या बच्चों? लिप्स, टीथ, टंग प्लस बॉडी। क्या बच्चों? प्लस बॉडी यानी शरीर का कोई भी पार्ट, अंग, प्लस एनर्जी भी लग जाए। क्या बच्चों? एनर्जी भी। तब उसके लिए आर्टिकल किसका प्रयोग करोगे बच्चों? ए प्लस, और इसी को क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड। और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्सोनेंट साउंड, यानी ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड। क्या कह सकते हैं बच्चों? ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड। हमने कहा क्या कहा बच्चों? आई लेटर डेट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कार्ड, इट इज कॉल्ड वोकल साउंड। और वोकल साउंड के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग कीजिए। समझ में आ रहा है? चलिए, और हमने बताया कि आ लेटर डेट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आपको आर्टिकल किसका प्रयोग करना पड़ेगा? ए का।
कॉन्सोनेंट साउंड में क्या होगा आपका, कभी कभी समटाइम्स क्या होगा, लिप्स भी काम करेगा, टीथ भी काम कर जाएगा, टंग भी काम कर जाएगा, प्लस बॉडी का कोई भी अंग काम कर जाए या फिर एनर्जी लग जाए, इस कंडीशन में आप आर्टिकल ए का लगा। अभी हम आपको सिखा रहे हैं, इसका एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे तो आप बहुत ही बेहतरीन कर पाओगे। वोकल साउंड को आप कह सकते हैं कि वोकल साउंड एक आत्मीय साउंड होता है। वोकल साउंड आपका एक आत्मीय साउंड होता है, जैसे कि बच्चे की आवाज़, बच्चे को मारिए आ, उसका जो आ का आवाज़ निकलेगा वो आत्मीय साउंड होगा, यानी वो बॉडी से उसका कोई संबंध रिलेट नहीं होगा, वो साउंड आपका आत्मीय साउंड होता है। आत्मीय साउंड एक ईश्वरीय साउंड होता है, यानी आप कह सकते हैं कि आप कभी ओम का उच्चारण किए होंगे, ओम का उच्चारण आपका ओ ओम करने में ओ मतलब आपका माउथ ओपन रहता है, आपके किसी बॉडी की मतलब अंग की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसके लिए आप वोकल साउंड के लिए आर्टिकल एंकल का प्रयोग कीजिए और कॉन्सोनेंट के साथ के लिए आर्टिकल ए। बॉडी काम कर जाए, बॉडी का कोई भी पार्ट काम कर जाए, लिप्स हो, टीथ हो, टंग हो, कुछ भी हो, एनर्जी भी लग जाए, आर्टिकल ए का प्रयोग कीजिए। बॉडी का कोई भी पार्ट अगर काम ना करे, सिंपल सी बात है, बॉडी का कोई भी अंग काम ना करे, टच ना करे, काम ना करे, उस कंडीशन में आप आर्टिकल एन का प्रयोग कीजिए। वो कैसे, चलिए हम सीखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए चलिए बच्चों, इसको मिटा दे रहे हैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू सिखाने के लिए। चलिए प्रॉब्लम बच्चों को केवल साउंड चेक करने में प्रॉब्लम होती है ए और एन। दा तो कहीं पर भी लगा सकते हो, उसको जहां लगा दोगे वहीं करेक्ट हो जाएगी, उसकी समस्या नहीं है। बच्चों को समस्या क्या होता है ए और एन में। अब हमने आपको बचपन से गुरुजी ने सिखा दिया, क्या सिखा दिया कि वोवेल के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करना। क्या बच्चों, वोवेल आपका क्या है, वोवेल आपके क्या है, ए ई आई ओ यू, ये आपका क्या है वोवेल। अब गुरुजी ने सिखा दिया, हमने सीख लिया, मान भी लिया कि वोवेल के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करना। किसका बच्चों, आर्टिकल एन का सिखा दिया हमने, मान लिया। नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्लियर, ऐसा हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो कैसे, अभी हम बता रहे, धीरे धीरे क्या हुआ, हम बड़े होते गए, आप भी बड़े होते गए, तो मास्टर जी आए क्लास में, बोले कि आ ई ऊ के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करना, मतलब हर तरफ से हिंदी घुसाने की आदत, पढ़ रहे हैं इंग्लिश, सिखा रहे हैं हिंदी, हिंदी उन्दी कुछ नहीं आता, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, केवल इंग्लिश पढ़ेंगे, क्लियर। चलिए देखिए, अब हमने लिखा यहाँ पर एक वर्ड यू, क्या लिखा बच्चों, यू, और यू से हमने लिखा अम्ब्रेला, क्या लिखा बच्चों, अम्ब्रेला, और यू से हमने लिखा दूसरा वर्ड यूनिवर्सिटी, क्या बच्चों, यूनिवर्सिटी। अब देखा जाए कि आपके गुरुजी के अकॉर्डिंग दोनों आपके पहले लेटर क्या हैं, वोवेल हैं, देखा जाए तो दोनों ही वोवेल हैं। अब क्या दोनों में एन लगा दें, लगा दें, जो लगा दिए लगा दे, क्या ये कंसेप्ट सही है, क्या यूनिवर्सिटी के पहले एन लगाना उचित है, परफेक्ट है, क्या अम्ब्रेला के पहले लगाना, हम अभी सिखा रहे हैं, आप सीखिए, आपको सिखाने के लिए ही तो आए हैं। ये स्टडी पॉइंट एक ऐसा फाउंडेशन ही ऐसा है कि बच्चों को पढ़ाया ना जाए बल्कि सिखाया जाए, प्रैक्टिस करवाया जाए, बचपन से ही तो पढ़ रहे स्कूल कॉलेज कोचिंग में, यहाँ पर आप सीखिए, यहाँ पर सिखाने के लिए आए हैं हम सभी। तो देखिए अब इसका हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं आता रूल फंडा, कुछ नहीं आता, हमने क्या सीखा, कॉन्सो मतलब साउंड, हमने क्या सीखा, साउंड, वोकल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। वोकल साउंड में हमने क्या सिखाया कि वह साउंड आपका आत्मीय साउंड होता है, उसमें बॉडी की जरूरत नहीं होगी, बॉडी के किसी भी पार्ट की जरूरत नहीं होती। चलिए हम चेक करें, पर ये पूरा वर्ड साउंड किसका लेंगे, पहले लेटर का, तो बोलिए यू बोल करके देखिए, यू, सॉरी बच्चों, चलिए देखिए हमने यहाँ पर क्या, इसको क्या पढ़ते हैं, अम्ब्रेला, क्या बच्चों, अम्ब्रेला। अब बोलिए पहला आ, आ, अब ये जान लीजिए साउंड क्या, आपने बोला आ, इसी के पहले आप आर्टिकल एन लगाना, आ आत्मीय साउंड है, इसी के पहले आप आर्टिकल एन लगाना। अब यहाँ पर आ बॉडी के किसी भी पार्ट की जरूरत होती है, नहीं हो रही है, लग रहा है किसी का, आ बोल करके देखिए बॉडी की जरूरत होगी, आ आ नहीं हो रही है, जाहिर सी बात है कि वोकल साउंड है, वोकल साउंड, यानी इसके पहले हम आर्टिकल क्या लगाएंगे, एन, हमने लगा दिया आर्टिकल एन। अब बोलिए पढ़िए इसको, यूनिवर्सिटी लिखा है, यूनिवर्सिटी, अब साउंड किसका लेंगे, पहले लेटर का, अब बोलिए यू,
यू, आपका लिप्स काम कर रहा है, कर रहा है यू, लिप्स काम कर रहा है यानी बॉडी का कोई भी पार्ट काम कर रहा है ना, क्या लगाओगे आर्टिकल ए। अब ए ई आई ओ यू के अकॉर्डिंग तो दोनों में मतलब एन ही तो आना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसीलिए हमने केवल टोटल बात की, कंसेप्ट होगी साउंड की, ना कि वोवेल एंड कंसोनेंट। हमको समझ जाओ, भूल जाओ कुछ समय के लिए कि वोवेल और कंसोनेंट नहीं आता, हमें आता क्या है साउंड। चलिए अब किसी बच्चे का लिप्स हटा दिया जाए, यानी लिप्स हटा दिया जाए, उससे बोलो यूनिवर्सिटी, बोले यू तो वो बोल पाएगा, उससे बोलो पेन क्या वो बोल पाएगा, उससे बोलो टोमेटो, उसका टंग हटा दिया जाए वो टोमेटो बोल पाएगा, टंग आपका टंग टच करता है। ये पहला एग्जांपल था। और दूसरा एग्जांपल हम चेक करते हैं, यच क्या है आपका, ये कंसोनेंट साउंड, क्या है बच्चों आपका कंसोनेंट साउंड। अब यच से हमने दो वर्ड लिखा, पहला लिखा यच ओ यू आर, दूसरा हमने लिखा यच ओ आर यस ई हास। अब कुछ बच्चों को तो इसका प्रोनाउंस करना ही नहीं आता होगा, इसका उच्चारण ही करना, कुछ बच्चों से अभी कह दो इसको बोल पढ़ने के लिए यच ओ यू आर तो बोलेंगे हावर। अभी क्या ये हावर है, अब उल्टा पुल्टा पढ़ोगे तो उल्टा पुल्टा आएगा। अब उस बच्चे इसको पढ़ते आस आस, अब ये आस है, अब इसको पढ़ोगे हावर तो ये हावर है, ऐसा लग रहा है जैसे खा लो। इसलिए प्रोनाउंस भी बहुत जरूरी है, उच्चारण करना भी आपको राइट सही ढंग से आना चाहिए। अभी हम जो वीडियो बनाया जाएगा वो प्रोनाउंस का भी बना दिया जाएगा कि इसको क्या पढ़ा जाता है। चलिए अब देखिए इसको क्या पढ़ा जाता है, बच्चे आस टू आस बोला नहीं जाता, इसको हावर नहीं आर टू आस थ्री आस बोला नहीं जाता, लग नहीं रहा कि आस आ आ वोकल साउंड नहीं लग रहा है, लग रहा है ना आ आस आ आ, क्या लगाओगे आर्टिकल एंड लगाओगे, क्या लगाओगे बच्चों आर्टिकल एंड। अब इसको देखिए हास, क्या बच्चों हास हास, लग नहीं रहा कि एनर्जी लग रहा है, हमने कहा प्लस एनर्जी भी लग जाए तो उसके लिए आर्टिकल ए लगा देना बिना सोचे समझे बिना डाउट के, तो हास बोल करके देखिए हास हास कितना एनर्जी लग रहा है, यानी आप इसके लिए आर्टिकल क्या लगाओगे ए। समझ में आ रहा है बच्चों, ओके बहुत अच्छा। अब और एग्जांपल चेक कर लेते हैं हम, दो चार एग्जांपल बच्चों का डाउट मतलब क्लियर हो जाए। हमने एग्जांपल लिखा ई से, पहला वर्ड हमने लिखा एलिफेंट ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट, और ई से हमने लिखा यूरोपियन यूरोपियन। चलिए बच्चों साउंड चेक कीजिए, इसका हमें क्या चेक करना है साउंड, हमें कुछ नहीं आता सिर्फ और सिर्फ साउंड आता है। एलिफेंट ई एलिफेंट ई ई, लग नहीं रहा कि वोकल कार्ड से है साउंड आपका, वोकल कार्ड से है ना साउंड ई, आर्टिकल क्या लगाओगे बिना सोचे समझे बिना डाउट के एन, करेक्ट है, कोई काट नहीं सकता, जो सिखा दे रहा हूँ यही सत्य है यही परम सत्य है, इसे कोई भी द्वंद नहीं काट पाएगा। चलिए इसको देखिए यूरोपियन यू यूरोपियन बोल करके देखिए यू यू, लग नहीं रहा कि लिप्स काम कर रहा है, बॉडी का पार्ट काम कर रहा है लिप्स आपका, क्या अगर लिप्स ना रहे बच्चों तो क्या यू बोल पाओगे यूरोपियन यू यू, क्या लगाओगे क्या लगाओगे, हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ आर्टिकल क्या लगाओगे ए। देखा जाए तो वोवेल साउंड है ना दोनों, वोवेल और कंसोनेंट पर डिपेंड है, लेकिन हम नहीं, हम केवल यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं साउंड, इसके आगे आर्टिकल हमने ए लगाया एन लगाया। अगर आप मास्टर के रूल पर डिपेंड होते, गुरु जी ने आपको जो सिखाया था, तो आप सारा एग्जाम्पल गलत करके चले आते, आपको लगता कि हमने करेक्ट किया जबकि आपका आंसर गलत हो जाता। चलिए बच्चों कितना जान गए, ओके हमने आपको बताया बच्चों कि आप कुछ नहीं जानते, ना कंसोनेंट ना वोवेल, आप क्या जानते हो सिर्फ और सिर्फ साउंड, आपको कुछ नहीं आता सिर्फ एक ही कंसेप्ट आता है वो भी साउंड। साउंड को आप याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए बेहतरीन तरीके से, आपको आर्टिकल आ जाएगा समझने में, आर्टिकल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बच्चों अगर इतना समझ में आया तो इसको मिटा करके हम आगे के कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और सब अगर नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो
प्रोवाइड करें और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखिए अगला वर्ड हमने लिखा बच्चों, ईयर। ईयर अब यहां पर बताइए आप लोग बच्चों कि यहां पर आर्टिकल क्या लगाना आप पसंद करेंगे, आर्टिकल ए लगाना पसंद करेंगे या आर्टिकल एन। अब कुछ बच्चे चेक करे होंगे साउंड की ई, ई लग नहीं ना कि वोकल साउंड है, लग रहा है, जबकि यहाँ पर आर्टिकल एन लगाना गलत हो जाएगा और आर्टिकल ए लगाना यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा। इंग्लिश की दुनिया में चार वर्ड, क्या बच्चों इंग्लिश की दुनिया में चार वर्ड बच्चों को बहुत ही परेशान करते हैं। इंग्लिश की दुनिया में चार वर्ड बच्चों को बहुत ही परेशान करते हैं। पहला डब्लू और वाई, दूसरा आई और ए, ये चार वर्ड हैं बच्चों के, चार लेटर। इंग्लिश की दुनिया में चार लेटर के वर्ड बच्चों को बहुत ही परेशान करते हैं। इसमें बच्चों को साउंड चेक करने की जरूरत नहीं है। वो क्यों, हम आपको बता रहे हैं। जैसे अभी इसी यह शब्द को किसी भोजपुरी वालों को दे दो बोलने के लिए तो वो बोलेगा यरवा में क्या लगेगा, क्या बोलेगा बच्चों। अभी इसी वर्ड को भोजपुरी वाले को दे दो बोलने के लिए तो वो बोलेगा यरवा में क्या लगेगा। आप बताओ उसका साउंड कौन सा चेक करोगे भाई, उसका साउंड क्या है। इसलिए कभी कभी फैक्ट भी याद करना पड़ता है। हमने कहा अब देखिए इंग्लिश की दुनिया में चार लेटर के वर्ड बच्चों को हमेशा समस्या लाएंगे, जो कि हम आपकी समस्या को एक मिनट में सॉल्व करते हैं। हमने कहा बच्चों देखिए इफ अ वर्ड स्टार्ट, क्या बच्चों इफ अ वर्ड स्टार्ट्स स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प, क्या बच्चों हेल्प ऑफ हेल्प ऑफ डब्लू और वाई, क्या बच्चों डब्लू और वाई। इट टेक्स दी आर्टिकल यहाँ पर लिख दे रहे हैं बच्चों दी आर्टिकल ओनली ए, क्या बच्चों हमने कहा इफ अ वर्ड स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू और वाई इट टेक्स द आर्टिकल ओनली ए। अगर आपका कोई भी शब्द डब्ल्यू और वाई से स्टार्ट है तो उसका साउंड चेक मत कीजिए, क्या बच्चों उसका साउंड चेक मत कीजिए, उसके लिए आर्टिकल ए का उपयोग कीजिए, ओनली आर्टिकल ए। यदि आपका साउंड क्या है बच्चों स्टार्ट है वर्ड आपका आई और ए से, इफ अ वर्ड स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ आप आई और ए इट टेक्स आर्टिकल ओनली एन, क्या बच्चों इट टेक्स आर्टिकल ओनली एन। यदि आपका वर्ड आई और ए से स्टार्ट है, क्या बच्चों आई और ए, तो इसके लिए आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ एन का उपयोग कीजिए। अगर आपका वर्ड डब्ल्यू और वाई से स्टार्ट है तो इसके लिए आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ ए का प्रयोग कीजिए, बिना सोचे समझे लगा दीजिए, कोई डाउट नहीं है। जैसे हमने क्या कहा वाई स्टार्ट है वाई से ना ईयर, आर्टिकल क्या लगेगा ए, आर्टिकल क्या लगेगा ए। अब हमने यहां पर लिखा एग्जांपल एप्पल, हमने लिखा इंक पॉट। अब बताइए बच्चों ऐसे स्टार्ट है आर्टिकल क्या लगेगा एन, डाउट क्लियर है आर्टिकल क्या लगेगा एन। आई से स्टार्ट है बच्चों इंक पॉट, आर्टिकल क्या लगेगा एन। यही सत्य है बच्चा, यही सत्य है, इसे कोई नहीं काट सकता, जो मैं सिखा दूं उसे कोई नहीं काट सकता, ये परम सत्य है। चलिए देखिए बच्चों आज का हमारा जो क्लास है बस यहीं तक, ज्यादा हम वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे नहीं तो आपको पढ़ने में भी दिक्कत होगी। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें। अगर हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हम कोई वीडियो प्रोवाइड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।